हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत वर्ल्ड। तो आज मैं आपके सामने आ गई हूँ एक और नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेके, जो मैंने अपने बेबी के लिए अमेज़न से ऑर्डर किया था और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बॉटल मैंने मंगाई थी, ये मैं पूरी फिनिश कर चुकी हूँ और मैंने सेकेंड बॉटल भी ऑर्डर कर दी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा एसेंशियल लगा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। जैसे कि हम न्यू पेरेंट हैं, तो हम जब स्टार्टिंग में अपने बेबी पे बॉडी वॉश यूज़ कर रहे थे, तो हमने ये गलती कर दी थी कि जो बॉडी वॉश था उसी से हम लोग अपने बेबी के हेड पे हेयर्स भी वॉश कर देते थे, जिससे मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और मेरे बेबी की जो स्कैल्प की स्किन थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। जैसे हम लोगों ने सुना है अपने नानी दादी से कि जो स्कैल्प की स्किन होती है बेबी की, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिस वजह से हम लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। तो मेरी बेबी की स्किन जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, उसके हेयर्स भी बहुत ज़्यादा निकल गए थे और ये मैंने 2-3 मंथ्स देखा। तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि बेबी की आपके हेयर्स की स्किन के लिए हमें एक अलग से शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। तो मैंने ये जॉनसन का शैम्पू स्टार्ट किया यूज़ करना अपने बेबी पे। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लेदर भी क्रिएट हो जाता है, तो आप इससे प्रॉपरली अपने बेबी के हेयर वॉश कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को बेबी के स्किन को और हेयर्स को बहुत ज़्यादा ऑयल से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के बेबी के हेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उस पर रेगुलरली हम लोग को ऑयल अप्लाई करना पड़ता है, जिस वजह से उसके स्कैल्प की स्किन में ऑयल का कलेक्शन हो जाता है। तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके बेबी के ऑयल के कलेक्शन की वजह से उसके स्कैल्प की स्किन डैमेज हो जाती है। तो यही मेरे बेबी के साथ भी हुआ। उसके बाद मैंने ये जॉनसन का बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरे बेबी के हेयर्स की स्किन बहुत ज़्यादा ठीक हो गई और उसके हेयर्स भी वापस आ गए। तो मैं आप सबको ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी, बट फन थिंग है कि आपको अपने बेबी पे पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने बेबी पे पैच टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट आपकी बेबी को सूट करता है, तो आप उस पर ये प्रोडक्ट आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है जॉनसन का बेबी शैम्पू, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए। इससे बेबी के टीयर्स भी नहीं आते हैं, ये नो मोर टीयर्स फॉर्मूला है और ये आइस पे भी बेबी के बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं डालता है। तो आप एक बार ये प्रोडक्ट अपने बेबी पे ज़रूर ट्राई करके देखें, अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।